फार्मर्स सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाते हैं ड्रोन द्वारा स्प्रे कैसे की जाती है और उसको कैसे तैयार किया जाता है। आइए देखिए वीडियो। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ना जी ना, न्यूट्रिएंट आइटम है ये। मेनो यूरिया और सागरिका। कितने लीटर का टैंक है वो? कितने लीटर का टैंक है ये? टैंक 12 लीटर का, दवाई 10 लीटर डालते हैं। रोक दे फिर से इलाके ना, डंडे लाने दे कोई। अब आपका ड्रोन उड़ने के लिए तैयार है, आइए देखते हैं।
बार हो रिवरा का तो ले भाई। अभी चलेगा नहीं, अब ये चलेगा नहीं, अब ये ओवर हो गया, इसने लिक्विड खत्म कर दिया अपना, यहाँ इसका लिक्विड खत्म हो गया है ये एरिया पे, अब इससे आगे जाएगा नहीं ना पीछे आएगा, सो कमांड देनी पड़ेगी, अब मैं कमांड दूंगा तो आगे आएगा, ये अभी आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मैपिंग कैसे बनाते हैं खेत की, इसमें ग्राउंड प्लान में गए, मैप में गए, यहाँ किसान का नंबर डाल दो, यहाँ किसान का नाम डाल दो, आप जिस मैप किसी भी खेत को सिलेक्ट कर लो, इसकी मैपिंग लेनी है हमारे को, हम ये पॉइंट लेंगे यहाँ पे एक, एक इस कोने पे लेंगे, एक इस कोने पे लेंगे, एक इधर लेंगे, अब हमारे को जैसे ये दरकत आ रही है इसमें हम ऑब्स्टिकल भी लगा सकते हैं, ये इस पे गए, इस पे गए, यहाँ हमने ऑब्स्टिकल करा, अब इसको हम बड़ा करेंगे, इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेंगे, ये हमारा ऑब्स्टिकल पॉइंट तैयार हो गया, इसको हम सेव करेंगे, यहाँ से करेंगे शेयर इसको, यहाँ से आ गया हमारा, मैंने मैप में करा, अब इसको शेयर करेंगे हम,
सक्सेस बोला, इसको होम पेज में जाएंगे, स्टार्टिंग में जाएंगे, किसी दूर स्टार्टिंग में जाने के बाद दोबारा हम इसको सेलेक्ट करेंगे मैप को, अपने इस मैप को लेंगे, ये मैप हमारा सेलेक्ट हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये हमारा फिनिश पॉइंट होगा। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, ये ड्रोन जो आपका है ये कौन सी कंपनी का है? जी नमस्कार, मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं होकव्यू कंपनी से हूँ, ये कंपनी हमारी होकव्यू है प्लस कैंपो, कैंपो के साथ में हमारा है। इससे जो आप स्प्रे कर रहे हो हाँ जी, वो कितनी सक्सेस है? और 90% सक्सेस है इसके स्प्रे। और स्प्रे में एक एकड़ में कितना पानी लगता है, कितना टाइम लगता है? एक एकड़ में आपका 10 लीटर पानी लगता है और मात्र 7 मिनट लगता है आपका। मतलब 10 लीटर पानी में एक एकड़ के लिए काफ़ी है? बहुत काफ़ी है सर। इसकी जो नोजल है वो हाई क्वालिटी की नोजल है इसकी, 50 माइक्रो इसकी नोजल है। ये जब स्प्रे करता है तो ओस की माफी करता है और बटरफ्लाई टाइप में करता है, ऐसे फैला के चलेगा आपका स्प्रे को। मतलब ज़्यादा वेस्टेज नहीं जाता इसमें? बिल्कुल भी बिल्कुल वेस्टेज नहीं है, जितना पौधे को दवाई चाहिए उतनी ही दवाई मिलती है पौधे को, और पौधे को ही दवाई मिलेगी आपकी ज़मीन को, दवाई नहीं जाएगी आपकी वेस्ट। जैसे कई आप जैसे हाथ वाले नर्गिस वगैरह से करते हो स्प्रे तो आपकी दवाई वगैरह नीचे जाती है, ज़्यादा वेस्टेज ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है, तो इसमें दवाई आपके पौधे पौधे पर रहेगी, ज़मीन पर जाएगी नहीं, तो इसमें ज़मीन की भी बचत पूरी अच्छी है। अगली बार खेती करोगे तो आपकी पूरी आएगी। अच्छा ये जो ड्रोन है ये क्या है जी इसका? जी ये इसका GPS है, इसका GPS है, सैटेलाइट से चलता है ड्रोन। काम क्या है जिसका? इसका ये काम है GPS कनेक्ट करना, सैटेलाइट द्वारा ये चलता है ड्रोन, ये रिमोट हमारा है ना, इससे रिमोट से कनेक्ट होगा इस GPS का। अच्छा, फिर ये ड्रोन चलेगा। टैंक कहाँ इसका पानी का? टैंक आपका ये रहा, ये 12 लीटर का टैंक है, ये 12 लीटर का टैंक है, इसमें 10 लीटर दवाई डालते हैं, 10 लीटर आपका एक एकड़ में कवर कर देता है ये दवाई का टैंक का, ये सब लिखा हुआ है आपका 11 लीटर एंड 12 लीटर, 10 लीटर यहाँ तक है, 11 लीटर ये रहा, 12 लीटर आपका यहाँ तक आ जाएगा। ये क्या है बैटरी? ये हमारी बैटरी है। बैटरी कितना काम करती है, कितनी देर तक चलती है? ये एक एकड़ आपका 1 से 1.5 एकड़ आपका कवर कर सकती है इस बैटरी। इसका हमारा रडार है, ये ऑप्टिक रडार है, पैनल रडार है हमारा, ये सामने वाली चीज़ें फोकस करता है, ये नीचे फसल को फोकस करके चलता है, फसल कितनी हाइट पे चलनी चाहिए हमारा ड्रोन, ये उस चीज़ के लिए, ये सामने पेड़ वगैरह एक्सीडेंट वगैरह ना हो, हाँ कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो आपको पहले ही वार्निंग दे देगा। और ये हमारा कैमरा है, लाइव कैमरा चलता है इसके अंदर, आप पूरी फसल देख सकते हो कहाँ पे बीमारी आ रही है कहाँ पे नहीं आ रही है, ये उस चीज़ के लिए दे रखा है। ये इसकी मोटर है, इसका फुहारा चला के दिखाइए हो आपको, फुहारा चला के दिखाते हैं। बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, देख लो ये हमारी बैटरी का पॉइंट है, यहाँ से बैटरी कनेक्ट होगी, ये आवाज़ करेगा, ये कनेक्ट हो गई, ये रिमोट से हमारा कनेक्ट होगा, ये हमारा रिमोट का है, इस पर करेंगे इससे करेंगे, ये आ गया कनेक्ट हो गया, अब ये मोटर चलाएंगे हम, यहाँ से पहले इसका लूज करना पड़ता है। लूज किस लिए करना पड़ता है जी? ये जैसे पंप में हवा वगैरह बन जाती है ना, अच्छा तो ये इसलिए लूज करना पड़ता है, ये लूज कर देंगे, पंप चलाएंगे एक बार, ये हवा बाहर निकल गई इसकी, बंद करेंगे इसको, अब चलाएंगे ये, बिल्कुल बारिश आ रही है, बिल्कुल हाथ लगा के देख लो, फुहारे चार है, चार फुहारे इसके, दो आगे होते हैं दो पीछे होते हैं, और फैन छह, छह फैन है, हेग्जा हेग्जा बोलते हैं इस ड्रोन का नाम, हेग्जा हेग्जा, इसमें चार तीन तरह के ड्रोन आते हैं ना, हेग्जा ओक्टा और कोड, कोड में चार पंखड़ी होती है, हेग्जा में छह होती है, और ओक्टा में आठ पंखड़ी होती है।
धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद आपको भी। डिजायर में भी एडजस्ट होगा।